15 अगस्त 1950 इंडिया चाइना रीजन में रिक्टर स्केल पर 8.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नोट किया गया, जो कि भारत का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक माना जाता है, जिसमें कई लोग भी मारे गए थे। और 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक भी सभी को याद होगा, जिसमें पल भर में 9000 लोग जान गंवा बैठे। इस 7.9 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक ने नेपाल के करीब 80 लाख लोगों को अफेक्ट किया था। और अभी की बात करें तो रिसेंटली इंडिया के दिल्ली एनसीआर में भी अर्थक्वेक के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जो कि नेपाल में ही सेंटर्ड बताया गया है। तो फिर करते हैं इस वीडियो में अर्थक्वेक से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बात। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का अनुमान है कि हर साल नियरली 5 लाख अर्थक्वेक आते हैं, जो कि अर्थ की क्रस्ट में गहराई से होते हैं, और सिस्मोग्राफ के बिना इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। सिस्मोलॉजिस्ट का अनुमान है कि वर्ल्ड के करीब 20% अर्थक्वेक्स ही ह्यूमंस के थ्रू महसूस किए जाते हैं, और हर साल ऑलमोस्ट 100 अर्थक्वेक्स ऐसे होते हैं जिनसे नुकसान भी होता है। सिस्मो वेव्स दो तरह की होती हैं, जिसमें एक है बॉडी वेव्स और दूसरी सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स अर्थ के अंदर गहराई में ट्रेवल करती हैं, जिन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। प्राइमरी वेव्स अपने रास्ते में आगे और पीछे की तरफ होते हुए चलती हैं, जिस वजह से एक ग्राउंड को कंप्रेस और एक्सपेंड करने का रीजन बनती है। ये सिस्मिक रिकॉर्डिंग स्टेशन पर पहुंचने वाली सबसे पहली वेव होती है, इसलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। प्राइमरी वेव्स सॉलिड, लिक्विड और यहाँ तक कि गैसेज में भी चल सकती हैं। सेकेंडरी वेव्स की बात करें तो ये सियरिंग या क्रॉसवाइज मोशन में जमीन को हिलाते हुए चलती हैं, जो कि ट्रेवलिंग की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। ये शेक वेव्स जमीन को ऊपर और नीचे या एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाती है। इसे सेकेंडरी वेव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा सिस्मिक रिकॉर्डिंग स्टेशन पर प्राइमरी वेव्स के बाद पहुंचती है। और प्राइमरी वेव्स के अपोजिट सेकेंडरी वेव्स ओनली सॉलिड मटेरियल्स के थ्रू ही ट्रेवल कर सकती हैं, और इन दोनों वेव्स को बाद में सरफेस वेव्स फॉलो करती हैं, जो अर्थ की सरफेस के साथ ही ट्रेवल करती है। यहाँ पर सरफेस वेव्स भी केवल सॉलिड मटेरियल के थ्रू ही ट्रेवल करती है, और ये बॉडी वेव्स के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो मूव करती है, लेकिन ये वेव्स साइज में काफी बड़ी होती हैं, मतलब इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, जिस रीजन से ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। सरफेस वेव्स दो टाइप्स की होती हैं, जिनके नाम है लव वेव्स और रेले वेव्स, और ये उन साइंटिस्ट के नाम पर ही बेस्ड हैं जिन्होंने इन्हें आइडेंटिफाई किया था। लव वेव्स हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव करती है, जो सरफेस को एक तरफ से दूसरी तरफ परपेंडिकुलरली उस डायरेक्शन में ले जाती है जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, और इन दोनों सरफेस वेव्स में लव वेव्स तेजी से मूव करती है। न्यूजीलैंड से साउथ अमेरिका तक पैसिफिक ओशन के आसपास का रीजन अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटीज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है, और इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और USGS का एस्टिमेशन है कि इस रीजन में 90% अर्थक्वेक्स आते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि काफी ज्यादा वॉल्केनोज और टेक्टोनिक प्लेट्स की कांस्टेंट मूवमेंट इन जैसी एक्टिविटीज के होने में अपना रोल निभाती हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, तब अर्थक्वेक ज्यादा खतरनाक होता है, और जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, तब उनके बीच में वॉल्केनोज निकलते हैं, जिनसे नॉर्मल अर्थक्वेक्स आते हैं, जो कि कम खतरनाक होते हैं। इंडियन ओशन की तरफ से एशियन प्लेट हमेशा यूरोपियन प्लेट को खिसकाती रहती है, जिससे माउंट एवरेस्ट की हाइट हर 10 साल में करीब 2 मीटर इंक्रीज हो जाती है, और यही एक मेन रीजन है नेपाल में इतने अर्थक्वेक आने का, क्योंकि नेपाल दोनों कॉन्टिनेंट प्लेट्स के बीच में आता है, जिसे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहते हैं। और समुद्र के बॉटम में आए अर्थक्वेक से ही ऊपर पानी में ऊंची वेव्स उठने लगती हैं, जिसे सुनामी बोला जाता है। 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने बेनो गुटनबर्ग के साथ मिलकर अर्थक्वेक रेटिंग स्केल डेवलप किया था, जिसे रिक्टर स्केल के नाम से भी जाना जाता है। टाइम के साथ टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हुई है, और आज रिसर्चर्स किसी ऐसे इवेंट के साइज को मेजर करने के लिए मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का यूज करते हैं। रिक्टर स्केल उन रीजनल अर्थक्वेक्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव है जो मैग्नीट्यूड 5 से कम के होते हैं, और वहीं मोमेंट मैग्नीट्यूड लार्ज अर्थक्वेक्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। सेम मैग्नीट्यूड वाले कई अर्थक्वेक्स को आइसोसिज्मल बोलते हैं, और सेम टाइम पर कई जगह आए अर्थक्वेक्स को होमोसिज्मल कहते हैं। स्केल पर मैग्नीट्यूड वैल्यू की कोई लोअर या मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन मोस्टली ग्राफिक्स आमतौर पर 0 से 10 तक की रेंज दिखाते हैं। 2.0 से कम मैग्नीट्यूड वाले भूकंपों को महसूस नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को काफी कॉमन माना जाता है, और इसमें 4.0 या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक ही तबाही मचाते हैं। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए मेरकाली स्केल का भी यूज किया जाता है, जिस पर ज्यादातर साइंटिस्ट रिलाय करते हैं। मेरकाली इंटेंसिटी स्केल सीज्मिक इंटेंसिटी मतलब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के काम में लाया जाता है। इसका नाम इसके डेवलपर जियोसिप्पी मेरकाली के नाम पर रखा गया था, जो कि एक इटालियन वॉल्केनोलॉजिस्ट थे। USGS के अकॉर्डिंग अब तक का लार्जेस्ट अर्थक्वेक 22 मई 1960 को चिली में सेंटर्ड था। इसका मैग्नीट्यूड 9.5 मेजर किया गया, जिसमें करीब 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और $550 मिलियन का नुकसान भी हुआ। जिसे इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके देखें तो आज के हिसाब से करीब $5 बिलियन से भी ज्यादा होगा। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक नोट किया गया, जो कि 9.2 इंटेंसिटी का था, जो कि अलास्का में आया था। मार्च 28, 1964 में इस अर्थक्वेक में 131 लोगों की मौत भी हुई, और इससे करीब $400 मिलियन का नुकसान हुआ था, जो कि आज के हिसाब से करीबन $3.5 बिलियन होते हैं।
इंडिया में अर्थक्वेक एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए एक नोडल एजेंसी भी है जिसका नाम नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है और NCS के अकॉर्डिंग इंडिया को 4 सिस्मिक जोन में क्लासिफाइड किया गया है जिसमें कंट्री का 11% एरिया जोन 5 में आता है, 18% जोन 4 में, 30% जोन 3 में और रिमेनिंग एरिया जोन 2 में। जोन 5 सिस्मिकली सबसे एक्टिव रीजन होता है जबकि जोन 2 सबसे कम, और भारत में ऐसा कोई शहर नहीं है जो सिस्मिक जोन 1 के अंडर आता हो। अब अर्थक्वेक के सबसे यूनिक इफेक्ट की बात करते हैं। सिस्मोलॉजिस्ट का कहना है कि एक मेगा अर्थक्वेक पूरे प्लेनेट में एक दिन की लंबाई को छोटा कर सकता है। नासा के अकॉर्डिंग लार्ज अर्थक्वेक्स पृथ्वी के एक्सिस को शिफ्ट कर सकते हैं जिससे दिन की लंबाई बदल सकती है। दिन की लंबाई में चेंज दीवार पर लगी घड़ी से नहीं पता लगाया जा सकता, इसे माइक्रोसेकंड्स में मेजर किया जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि 2004 में आए 9.1 मैग्नीट्यूड के सुमात्रा अर्थक्वेक ने दिन की लेंथ 6.8 माइक्रोसेकंड कम कर दी थी। जनरली ऐसा माना जाता है कि भूकंप जितना बड़ा होगा जमीन के शेक करने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। वैसे अर्थक्वेक वीक ही होते हैं जिस वजह से इनके थ्रू लगने वाले झटके कुछ सेकंड्स के लिए ही होते हैं, लेकिन वही मेगा अर्थक्वेक जमीन को कुछ मिनट्स तक शेक कर सकते हैं और ये मेगा अर्थक्वेक काफी रेयर होते हैं। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ मिनट्स में शेकिंग खत्म होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकना बंद हो गई हैं, बल्कि मेन इवेंट होने के बाद इसके आफ्टर शॉक महीनों या सालों तक भी रह सकते हैं। USGS का कहना है कि ये मिनी अर्थक्वेक्स आने का रीजन पहले हुए फॉल्ट्स के रीएडजस्टमेंट से होता है। जनरली जितना बड़ा ओरिजिनल अर्थक्वेक होगा उतने ही ज्यादा उसके आफ्टर शॉक्स देखने को मिलते हैं। अर्थक्वेक्स के आने से पहले इसे प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट भी अभी तक भूकंप के एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर पाए हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए है क्योंकि झटकों को ट्रिगर करने वाले मैकेनिज्म काफी स्लो मोशन में अर्थ की सरफेस से करीब 100 किलोमीटर नीचे मूव करते हैं, जिनके बारे में साइंटिस्ट अभी थोड़ा बहुत ही पता कर पाए हैं। लेकिन रिसेंट में टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर तो हुई है कि इससे एक बेटर टाइम फ्रेम जरूर मिल जाता है कि कब भूकंप एक्सपेक्ट किया जाए। कैलटेक के एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिसेंट ईयर्स में मेन इवेंट से पहले लोगों को अलर्ट करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बेहतर हो गए हैं, और इनमें पहला नाम सेक अलर्ट सिस्टम का आता है जो कि झटकों से जनरेट हुई फर्स्ट वेव का पता लगाते हैं और अर्थक्वेक की ज्यादा सिग्निफिकेंट वेव्स के आने से पहले लोगों को अलर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये अलर्ट लोगों को प्रिपेयर होने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही टाइम देता है। अर्थक्वेक्स के आने से पहले एटमॉस्फेयर में कई फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं और इन्हीं को मेजर करके ऐसे इवेंट्स की प्रेडिक्शन की जा सकती है, जिसमें सबसे पहले है प्राइमरी वेव्स की वेलोसिटी में चेंज। कई स्मॉल अर्थक्वेक्स प्राइमरी वेव्स की वेलोसिटी को बदल देते हैं जो कि बाद में किसी मेजर अर्थक्वेक्स के आने से पहले नॉर्मल हो जाती है, और इन प्राइमरी वेव्स में हुए चेंजेस को सिस्मोग्राफ के थ्रू मेजर किया जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स के स्लो मोशन से चट्टानों में बहुत से छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं और फिर इन क्रैक्स में अंडरग्राउंड वाटर एंटर कर जाता है, जिस वजह से यह वाटर की प्रेजेंस हाइड्रोलिक जैक की तरह वर्क करती है जिससे चट्टानों में उभार दिखने लगता है, और मेजर अर्थक्वेक्स के आने से पहले जमीन डोम शेप में ऊपर उठ जाती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को डायलेटेंसी भी कहते हैं। एटमॉस्फेयर में रेडॉन गैस का काफी ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होना भी किसी अर्थक्वेक के आने से पहले होता है, तो रेडॉन गैस पर नजर रखने से किसी मेजर अर्थक्वेक के आने की वार्निंग मिल सकती है। साथ ही एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंक्रीज होना भी इसका एक रीजन माना जाता है, और भूकंप आने से पहले कुछ साउंड्स भी आती हैं जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, जिसे ह्यूमंस तो नहीं सुन सकते पर जानवर इस मॉर्टल साउंड को जरूर सुन सकते हैं, तो एनिमल्स के बिहेवियर में सडनली चेंज आने से भी इसका पता लगाया जा सकता है। अर्थक्वेक आने पर कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने भी काफी जरूरी बताए जाते हैं जो कि आप सभी को पता होंगे, और जापान में इससे बचने के लिए एंटी अर्थक्वेक बार बनाई जाती हैं जिससे हाउसेस और बिल्डिंग्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो कि इन्हें डैमेज से बचाती है। अर्थक्वेक्स इस प्लेनेट पर सबसे अनप्रेडिक्टेबल और लाइफ चेंजिंग नेचुरल डिजास्टर में से एक है जो अभी इंसान की सोच से भी परे है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी जमीन की गहराइयों में ही कहीं छिपा है जिसे आने वाले वक्त में ह्यूमंस जरूर खोज निकालेंगे।